हाय गर्ल्स, माय नेम इज़ वानी एंड फैशन ट्रैवलर्स चैनल में आपका फिर से वेलकम है। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ आपको। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ पोशाक को कैसे आप अच्छे तरीके से वेयर कर सकते हैं, स्पेशली उसकी चुन्नी आपको कैसे सेट करनी है परफेक्ट तरीके से ताकि आपको बार बार संभालने ना पड़े। और पोशाक जो है काफ़ी टाइम से ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ट्राई करना चाहती होंगी। और साथ में इसकी नथनी थोड़ा सा मतलब मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है, तो उसको आपको कैसे परफेक्ट तरीके से पहनना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है, तो हो सकता है आपका ये छेद जो है नाक का वो थोड़ा सा डैमेज भी हो सकता है पहनते टाइम, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे आपको पहनना है। साथ में मैंने DIY हेयर स्टाइल भी किया है, DIY हेयर एक्सेसरी भी बनाई है जो कि राजस्थानी पोशाक में, जो कि राजस्थानी पोशाक के साथ जो ज्वेलरीज जाएंगी उनमें मस्ट हैव होती है, बट वो मेरे पास नहीं थी तो मैंने उसको कैसे क्रिएट किया है वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आज बताऊंगी आपको। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज हमेशा मैं लेके आती रहती हूँ। एंड हाँ, अगर आपको ये पोशाक पसंद आता है तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर सारे डिटेल मैंने मेंशन कर दिए हैं। ओके, विदाउट टॉकिंग टू मच वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी पोशाक में ज्वेलरीज़ की नीड होती है वही सारी ज्वेलरीज़ मैं यहाँ पर वेयर करूँगी। तो आपने देखा होगा राजस्थानी राजपूती लुक जो क्रिएट करते हैं उसमें काफ़ी हैवी ज्वेलरीज़ पहनते हैं, नेक में काफ़ी हैवी सेट होता है उनका। तो मेरे पास तो ये अवेलेबल था कुछ चोकर टाइप का, तो मैंने इसको पहन लिया है जो कि मेरे आउटफिट में, आउटफिट की जो जरी वर्क है उसके साथ मैच हो रहा है, गोल्डन कलर का है नेक पीस मेरा, साथ में उसमें पर्ल की इस तरीके से डिटेलिंग है। अब यहाँ पर मैंने अपना नेक पीस पहले पहन लिया था क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल बनानी थी, तो बाद में पहनूंगी तो मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हो सकता था, इसलिए मैंने पहले अपना नेक पीस पहना, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी हेयर स्टाइल क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बालों को थोड़ा सा कूम करके उनको अच्छे से सुलझा लिया है। अब यहाँ पर हम ये जो स्पेशल मांग टीका होता है राजपूती और मारवाड़ी लोगों का, तो ये एकदम आपको लुक दे देता है इंस्टेंट राजपूती और मारवाड़ी जैसा, तो आपके पास इस तरीके का एक मांग टीका ज़रूर होना चाहिए। इसको और भी कुछ बोलते हैं पर मुझे इसका नाम एग्जिट क्या होता है वो याद नहीं है, अगर आप में से किसी को पता है तो आप बताना ज़रूर। अब यहाँ पर मैं DIY एक्सेसरी ट्राई कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हो वहाँ पर आपने देखा होगा कि माथा पट्टी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है आजकल, तो और राजस्थानी लुक और मारवाड़ी लुक, राजपूती लुक, तीनों में ही आप इस तरीके से देखते होंगे कि माथा पट्टी ज़रूर पहनते हैं। तो मैंने सबसे पहले मांग टीका लगाया, फिर उसके बाद ये माथा पट्टी पहनी। एक्चुअली ये माथा पट्टी नहीं है, ये एक चोकर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है मेरा और मैं अभी इसे पहनती नहीं हूँ। वैसे इतना ख़राब भी नहीं है, मैं चाहूँ तो एज अ चोकर इसको पहन भी सकती हूँ, बट यहाँ पर मैंने इससे माथा पट्टी क्रिएट करी है। बस आपको गले में पहन लेना है, फिर उसके बाद आपके हेयर्स को थोड़ा थोड़ा सा आगे की साइड करके आपको इस तरीके से मत्थे पे पहन लेना है, और पीछे से जो इसमें एक पर्ल होती है ना उसको बस खींच के एकदम सेट कर लेना है, ये बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास माथा पट्टी नहीं है, तो अगर आपको बजट में ये लुक क्रिएट करना है तो आप बिल्कुल इस तरीके से कोई भी चोकर लेकर आप माथा पट्टी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये नथनी है बहुत ज़्यादा हैवी, और इसको पहनने के लिए बड़े ट्रिगरम लगाने पड़े मुझे। पहले इसको मैंने जो इसका बंद करने वाला जो पोर्शन होता है आप देख पा रहे होंगे, उसको मैंने पहले सीधा किया, फिर अपनी नोज़ में धीरे धीरे करके मैंने इसको डाला हुआ है। तो आपको पहले ऐसे ही करना है वरना आपकी नोज़ है ना हर्ट हो सकती है, तो काफ़ी हैवी है और आपको इस तरीके से ध्यान देकर नोज़ रिंग पहन है, बहुत ज़्यादा हैवी है। आप इसको 3 से 4 घंटे बाद उतारेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन भी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है, इसलिए सॉरी। तो इस तरीके से आप अपनी नथनी पहन सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने बैंगल्स वियर करी हैं जो कि मेटल की बैंगल्स हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल बैंगल्स पहन रही हूँ, तो बीच बीच में बस मैंने कड़ा डाल लिया है गोल्डन कलर का जो थोड़ा बहुत मैच करेगा मेरे आउटफिट से।
तो आप इस तरीके से बैंगल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के कोई चूड़ा ही पहने। आप इस तरीके से सिंपल से बैंगल को एक अच्छा सा ब्राइडल सेट बना सकते हो, या फिर आप कह सकते हो उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने चूड़ा पहन सकते हो, चूड़ियाँ। अब यहाँ पर आती है बात जो लहंगा है वो। तो लहंगा आप देख पा रहे हो, ये पोशाक है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑरेंज कलर का है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसे परचेस कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फुल शिफॉन का है पूरा आउटफिट। तो इसकी चुन्नी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, फुल एम्ब्रॉयडरी है, जालीदार एम्ब्रॉयडरी है। एंड ये फ्रिंचेस जो लगे हैं गोल्डन कलर की लेस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले बहुत ज़्यादा चलती थी ये, लेकिन वापस से ये ट्रेंड में आ गई। तो आप देख पा रहे हो, मैंने एक कॉर्नर दुपट्टे का लिया है चुन्नी का, और यहाँ पर अपने राइट साइड के शोल्डर में यहाँ पर बस एक कॉर्नर उसका पिन से सिक्योर कर दिया है। अब यहाँ पर सेकंड कॉर्नर आप देख पा रहे हो, ऐसे मैं राउंड लेके गई और अपने लेफ्ट शोल्डर में मैंने सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया। अब यहाँ पर आप चाहते तो यहाँ पर आप प्लीट्स में सिक्योर कर सकते थे, बट यहाँ पर मैं सोच रही थी ओपन पल्ला स्टाइल में लूँ, क्योंकि आपने आदित्य देखा होगा राजपूती और राजस्थानी लुक में थोड़ा सा ढक कर ही पहनते हैं। और इसकी चोली जो है मेरी खुद की है, इसकी चोली अभी स्टिच नहीं करवाई है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।